जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद की विभिन्न CHC PSC व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। सेकेंड वाला कितने दिन पे 90 गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर वगैरह लगवाया जाता है। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे जनपद में 289 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा था, जिसमें हमारे सभी CHC PSC और छोटे छोटे सेंटरों में भी हमारा वैक्सीनेशन चला है। लक्ष्य तो काफ़ी ज़्यादा है, 36,000 का लक्ष्य है, लेकिन हम जनपद में हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 36,74,000 टोटल डोज लगा चुके हैं, उसमें से 24,44,000 फर्स्ट डोज है और 12,25,000 सेकेंड डोज है। वैक्सीनेशन को लेके आम जनमानस को अपील करना चाहिए? हमें अपने जनपद वासियों से अपील है कि अभी बहुत सारे लोग छोटे हैं जिन्होंने कोई भी वैक्सीन पहला और दूसरा जो उसमें से कोई भी वैक्सीन नहीं लगाया हुआ है, तो हमें अपील है कि जिनको एक भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, पहला डोज भी नहीं लगा है, वो हमारे सेंटरों पर आएँ और जल्दी से जल्दी आएँ और उनका अपना वैक्सीनेशन करा लें,